लॉकडाउन में जितने भी प्रवासी मजदूर लोग मेरे भाई जो बाहर से आए हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास कम पूंजी है, पैसा नहीं है, तो ये ऑडियो क्लिप मैं उनको दे रहा हूँ। हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस ऑडियो क्लिप में मैं पूरे आपको 50 बिजनेस आइडियाज आपको दे रहा हूँ आज। आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज़, एक एक बिजनेस, आप बिल्कुल 10,000 रुपये हैं, उससे कम या ज़्यादा हैं, तो भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक लाइक मांगता हूँ, एक लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियोज़ को, और चैनल पर मेरे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप 10,000 रुपये में कौन सा बिजनेस अभी स्टार्ट कर सकते हैं अभी लॉकडाउन के समय में। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास 10,000 रुपये हैं तो किसी भी काम को आप ठेका लेकर के कर सकते हैं। यदि लॉकडाउन रहे या ना रहे, ये 12 महीना चलने वाला है। ये जितने भी मैं आपको आइडियाज़ आपको दे रहा हूँ, ये 12 महीना चलने वाला है। कभी जैसे कम या ज़्यादा, मतलब लॉकडाउन में ही होगा, बाकी चलता ही रहेगा। ठीक है, ये पहला आइडिया मेरा था। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो पहला आइडिया मेरा था, आप पैसे हैं आपके पास तो किसी भी काम को ठेका लेकर के आप करवा सकते हैं। दूसरी जो है, यदि आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, यदि गांव में रहते हैं तो आप बाल खरीद करके, जो केस जो होता है वो झड़ जाता है, जो जनानियों का, माताएँ बहनों का, तो वो उसको ख़रीद करके आप उसको सप्लाई करवा सकते हैं। उसको जो है कलकत्ता में या फिर अदर जगह पे आप इसको सेल करवा सकते हैं। तीसरा आइडिया जो है मेरा, वो है कपड़ों का फेरी लगाकर। जी हाँ, आपके पास साइकिल है, बाइक है, रेडी है, कुछ भी है, आप उस पर कपड़े जो है रख करके, बच्चों का हो गया, माताएं बहनों का हो गया, या कोई भी कपड़ा आप गठरा बना करके आप उसको गांव में फेरी लगा सकते हैं, या फिर उसको अपने किसी को रख करके आप लगवा सकते हैं। अगला जो बिजनेस आइडियाज़ है वो है साइकिल रिपेयर का बिजनेस। दोस्त, ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है और ये हर जगह चलता है। अगला जो मेरा बिजनेस है वो है जूते का बिजनेस। जी हाँ दोस्त, आजकल लोग बहुत शौकीन हो चुके हैं और लोग, हर कोई जो है जूता पहनना चाहता है, और जूता हर कोई पहनता है क्योंकि उससे कोई भी बीमारी पैरों में नहीं लगती है। तो आप जूते का भी बिजनेस बड़े अच्छे खासे तरीके से कर सकते हैं। यदि आपके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगला है सेकेंड हैंड सामान खरीद कर बेचना। जी हाँ, सेकेंड हैंड सामान जो है, आप जानते होंगे कि सेकेंड हैंड खरीदने वाले बहुत से लोग हैं। कोई भी चीज़ का आप सेकेंड हैंड का बिजनेस कर सकते हैं। मोबाइल हो गया, घड़ी हो गया, साइकिल हो गया, टॉर्च हो गया, जो भी आपको लगता हो, मशीन हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, आप उसको सेकेंड हैंड खरीद करके सेकेंड हैंड बेच सकते हैं या फिर रिपेयर करके भी बेच सकते हैं। अगला जो बिजनेस आइडिया है वो है भगवान जी का पोस्टर होता है, जैसे भगवान जी का पोस्टर होता है, माता दुर्गा जी का पोस्टर होता है, उस पोस्टर को जो है आप सेल कर सकते हैं या फिर थोक में मंगा करके आप उसको, उसका भी बिजनेस अच्छे खासे आप कर सकते हैं। अगला जो है वो है खिलौनों का बिजनेस। आप यदि चाहें तो खिलौनों का बिजनेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चलने वाला है, ये 12 महीना चलने वाला है। माचिस का बिजनेस मैंने आपको बताया था अपने वीडियोज़ में कल, ठीक है, माचिस का बिजनेस कर सकते हैं। अगला जो है वो है दूध का बिजनेस। आप जान सकते हैं कि दूध हर घर में यूज होने वाला है और ये कभी भी बंद नहीं होने वाला है, तो आप दूध का भी बिजनेस कर सकते हैं इतने पूंजी में। जो अगला बिजनेस है वो है बैग का दुकान कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो बैग का दुकान करके आराम से जो है बैग सप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी चौराहे पे, किसी स्टेशन पे, किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे बैग बिक्री मतलब ज़्यादा हो, ठीक है। अगला जो बिजनेस आइडियाज़ है वो है पंपलेट छापने का बिजनेस। यदि आप चाहें तो एक कंप्यूटर और थोड़ा सा सामग्री रख करके आप कंप्यूटर छापने का, कार्ड छापने का, इसका भी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि गाँव या शहरों में कहीं भी पार्टियाँ, शादियाँ, है ना, कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता ही रहता है, या फिर दुकान वगैरह खुलते हैं तो उसके लिए पोस्टर पैम्पलेट लगते ही लगते हैं, तो आप उसका भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगला जो है वो है बर्तन का बिजनेस। आप बर्तन का दुकान कर सकते हैं, ये 12 महीना चलने वाला है, ठीक है। सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, बर्तन का लुक यूज करते ही करते हैं। अगला जो बिजनेस आइडिया जो है फर्नीचर का, आप जैसे जानते हैं पलंग, कुर्सी, मेज इत्यादि सामान जो होते हैं, जो फर्नीचर में आते हैं, आप उसको कारीगर रखवा करके बनवा सकते हैं, या फिर यदि आपको आती है तो, नहीं आती है तो सीख करके आप उसको कर सकते हैं। अगला जो है वो ब्यूटी पार्लर का है। आप जान सकते हैं कि महिलाएँ जो है ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, अपना चेहरा सफाई कराती हैं, तो आप उसको जो है उसका मेकअप वगैरह कराती हैं, तो आप उसका भी बिजनेस कर सकते हैं। यदि महिला हैं तो और भी बेटर है, क्योंकि ये महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया जो है ये बिजनेस है। अगला जो बिजनेस है वो है दर्जी का बिजनेस। यदि आपको काम आता है दर्जी का तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप दुकान, मशीन वगैरह रख करके आप जो
टेक्निकल होते हैं, सॉरी जो दर्जी लोग होते हैं उनको रख करके आप इसको जो है स्टार्ट करवा सकते हैं। अगला जो है वो लैपटॉप रिपेयरिंग का बिजनेस ही काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है, क्योंकि लैपटॉप आजकल हर स्कूल में हर दुकान पर जो है ये लैपटॉप मिलता है और ख़राब भी होता है, तो आप इसका रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। मसाले का बिजनेस आप चाहें तो कर सकते हैं, यह हर घर की ज़रूरत है। पेंट का बिजनेस आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि पेंट हर कोई यूज करता है, हर घर में लगती है पेंट, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। बिस्कुट का होलसेल बिजनेस चाहें तो आप कर सकते हैं, चश्मे का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। पौधों का जो है नर्सरी बना करके आप बिजनेस कर सकते हैं। मोबाइल की दुकान खोल सकते हैं, चाहे तो आप टिकट बुकिंग सेंटर ऑनलाइन जो सामान होते हैं उसको भी आप कर सकते हैं। अगला जो है वह कपड़े का बिजनेस आपको मैंने बता दिया था, कपड़े का भी अच्छे खासा जो है आप बिजनेस कर सकते हैं। गिफ्ट का दुकान आप कर सकते हैं, सब्जी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, किराना स्टोर तो नॉर्मल बात है क्योंकि किराना स्टोर का भी बिजनेस आप कर सकते हैं। साड़ी का होलसेल दुकान खोल सकते हैं, हेयर कटिंग का दुकान आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी मैं बिजनेस आपको बता रहा हूँ ये 12 महीना चलने वाला है। आगे सुनिएगा बड़ी ध्यान से, क्योंकि आगे जो बिजनेस मैं आपको बताऊंगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कभी भी बंद नहीं होगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। हेयर कटिंग के बाद आता है स्टेशनरी का दुकान, जैसे कॉपी किताब पेंसिल पेन ये सब जो मतलब जहाँ पे मिलता है बच्चों का जो एजुकेशन का सामान होता है ये स्टेशनरी का दुकान भी मिलता है, तो आप इसका भी कर सकते हैं। पान का पत्ता का जो होलसेल बिजनेस है उसको आप कर सकते हैं। पान का पत्ता आप जानते हैं कि आसाम वगैरह में मिलता है, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके किसी भी तरीके से गूगल के माध्यम से या कहीं से भी आप उसका भी बिजनेस कर सकते हैं। ये मतलब कि रेगुलर चलने वाला है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। मछली की जो है बिजनेस आप कर सकते हैं, मछली जो पालते हैं वहाँ से खरीद करके आप मंडियों मार्केट में ला करके उसको बेच सकते हैं, ठीक है। होलसेल का दुकान कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए टॉफ़ी बिस्कुट नमकीन ऐसे बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं जो होलसेल लोग करते हैं। आप कम पूंजी है 10,000-20,000 जो भी आपके पास है, मैं तो 10,000 लिखा हूँ ताकि आप 10,000 में ही स्टार्ट करें, क्योंकि कम पूंजी से स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। अगला जो मेरा बिजनेस आइडियाज़ है वो है आधार सेंटर बिजनेस। आप जानते हैं कि आधार में किसी न किसी का करेक्शन होता ही रहता है, कोई नाम कोई नंबर कोई जन्मतिथि कुछ में कुछ गड़बड़ होता रहता है, तो आप जो है उसको भी आधार सेंटर पर जा खोल करके आप पैसा कमा सकते हैं, और ये सरकार द्वारा मान्यता मिलता है, CSC या फिर ऐसा ही कुछ होता है, आप उसको मतलब कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद से उसको लाइसेंस बन जाएगा आपका, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पतंजलि शॉप का बिजनेस चाहे तो आप कर सकते हैं, कंपनी से कांटेक्ट करके वेस्टी शॉप से आप जो है कर सकते हैं। धुलाई कार बाइक जो होता है उसको धुलाई का आप चाहें तो गाँव में शहर में कहीं पर भी रोड पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। चिकन का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, जानते हैं जो चिकन खाने वाले लोग हैं तो उसका भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। वेल्डिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जानते हैं कि गाँव में वेल्डिंग होता है लेकिन बहुत कम होता है, तो यदि आप गांव में रहते हैं तो आप बिल्डिंग का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अंडे का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था आपको कि अंडे का जो बिजनेस है बाइक साइकिल पे आप इसको बेच सकते हैं। अगला जो मेरा बिजनेस आइडियाज़ है वो है वॉच का बिजनेस, घड़ी का भी बिजनेस आप चाहें तो कर सकते हैं। टॉर्च वगैरह ख़राब होता है लोगों का, उसका भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर नया टॉर्च भी बेच सकते हैं घुमा घुमा करके, चाहे जैसे भी हो ठेले रेडी मतलब जैसे भी हो उसको आप बेच सकते हैं। जूस का बिजनेस आप बेच सकते हैं। मेडिकल का बिजनेस कर सकते हैं, मेडिकल के लिए जो है जो अप्रूवल होता है जो उसमें डॉक्यूमेंट लगता है उसको सबमिट करके आप मेडिकल का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हार्डवेयर का दुकान आप खोल सकते हैं, जैसे नट बोल्ट हो गया, पाइप का सामान हो गया, या फिर ऐसा ही कुछ जैसे जाली है ना, ऐसे बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं जो हार्डवेयर मिलते हैं, आप उसका भी बिजनेस आप बड़े ही आराम तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। पशुओं को खाने वाली सामग्री जैसे खली हो गया, चोकर हो गया, ऐसे आटा, बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं जो पशु को खिलाया जाता है, आप उसका भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं गाँव या शहर में कहीं पर भी। केक का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। बर्गर का बिजनेस ठेला लगा सकते हैं, बर्गर का बिजनेस में तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि शाम को जो है आपको 2-3 घंटे ही काम करने होते हैं और बाकी दिन आपको सामान तैयार करना होता है, मतलब आराम का ही काम है, आपका काम है। आप चाहे तो बर्गर का ठेला कहीं पे भी लगा सकते हैं, किसी भी चौराहे पे, आजकल तो गली गली में जो है बर्गर जो लोग है खाने के लिए इच्छुक हैं। अगला जो बिजनेस आइडियाज है दोस्त वो है मिठाई का बिजनेस। आप चाहें तो मिठाई का कारोबार यदि करना चाहते हैं तो मिठाई का भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगला जो है वो बाइक रिपेयरिंग का बिजनेस। आप जानते हैं कि हर घर में बाइक है और बाइक का भी चाहें तो आप बिजनेस कर सकते हैं। बाइक रिपेयर काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है और हर घर में ज़रूरत है यार, बाइक का दुकान मैं देखता नहीं हूँ, कभी कम जगह होता है, यदि गाँव में आप रहते हैं तो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि बाइक का दुकान बहुत कम होता है, ठीक है। तो यही कुछ बिजनेस आइडियाज़ था, मैंने को लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए और मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना हो लेकिन किसी न किसी दोस्त को ज़रूरत हो, और कोई ना कोई एक आइडिया वो देख करके समझ करके और अपना जो है बिजनेस स्टार्ट करके अपना जो है जीवन यापन कर सके, घर पर ही रह करके कमा सके, ठीक है। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।